हेलो एवरीवन, तो आज हम लव अलार्म ड्रामे की स्टोरी देखेंगे। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे के दो सीजन हैं, तो आज हम सीजन वन से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। तो एपिसोड वन की शुरुआत में हम किम जोजो को देखते हैं। वो क्रॉसिंग पर खड़ी थी, तभी आसमान में सभी को लव अलार्म का साइन दिखता है। किम जोजो कहती है, ये ऐसी दुनिया है जहाँ हम हमारे प्यार की फीलिंग्स को नहीं छुपा सकते। तभी वो सामने वांग सुन हो को देखती है। उसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। तभी सिग्नल ऑन होता है और सभी लोग जाने लगते हैं। सामने से सुनहु उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो भी दूसरी तरफ जाने लगती है। वो बहुत नर्वस थी। तभी सभी को लव अलार्म के मैसेज आने लगते हैं। उसमें लिखा था, 10 मीटर के रेडियस में तुमसे कोई प्यार नहीं करता। सबके इसमें 0 लिखा था। ये देखकर किम जोजो उसका फोन देखती है और उसे मैसेज आता है कि 10 मीटर के रेडियस में कोई एक आपसे प्यार करता है। वो सुनहु की तरफ देखती है। तभी सुनहु के पास ली ही योंग आता है। किम जोजो दूसरी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के बाजू से होते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम 4 साल पहले का वक्त देखते हैं, जब लव अलार्म लॉन्च होके सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। एक कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर्स थे और एक पे दिखा रहा था कि लव अलार्म ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। अब क्रिसमस के टाइम पर किम जोजो उसकी दोस्त किम जेंगो और सुन जियोन के साथ स्केटिंग कर रही थी। तभी किम जोजो जियोन को पूछती है, क्या वो आने वाला है? ये कहती है, मुझे नहीं पता। तभी वो लड़का वहाँ आता है और वो दोनों अपना ऐप ऑन करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। उन दोनों को मैसेज आता है कि 10 मीटर के रेडियस में आपको कोई एक प्यार करता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब घर जाते टाइम जेंगो कहती है, तुम्हारे पास लव अलार्म क्यों नहीं है? किम जोजो कहती है, मुझे उसकी जरूरत नहीं। ये कहती है, फिर एलसी का क्या? वो तुम्हारे साथ अब लव अलार्म भी रिंग नहीं कर सकता। किम जोजो कहती है, क्या इसकी जरूरत है? जेंगो कहती है, अगर रिंग नहीं हुआ तो तुम उससे ब्रेकअप कर लेना। वैसे मुझे भी मेरी मॉम से दूर रहना है, जैसे तुम रहती हो। तुम्हारी आंटी तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती है ना? किम जोजो कहती है, पर गुलमी मुझे बहुत कुछ कहती है। अब दोनों हंसने लगते हैं। जेंगो कहती है, जब हम ट्रिप पर जेजू आइलैंड जाएंगे तब तुम तुम्हारी मॉम के घर जाना, मुझे और इलसिक को भी साथ लेकर चलना। ये सुनकर किम जोजो चुप हो जाती है और कहती है, अरे तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, अब जाओ तुम। और वो चली जाती है। किम जोजो जल्दी से कहीं जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। हम सुनहु को देखते हैं। वो एयरपोर्ट से आ रहा था। मिंजे कहता है, 2 साल बाद वापस आकर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना। फिर वो उसे एक ऑरेंज कलर का कपड़ा देता है और कहता है, मिस जोंग ने मुझे तुम्हारी इसमें एक फोटो खींचने कहा है। तो सुनहु वही उसकी टी शर्ट उतार लेता है और सब उसे देखने लगते है। अब कार में वो किसी को मैसेज करता है, कहाँ हो तुम? पर उसका रिप्लाई नहीं आता। फिर वो मिंजे से पूछता है, हियोंग काम करता है क्या? मिंजे कहता है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ किम जोजो उसके काम के लिए तैयार होती है और नीचे आती है। वो बहुत काम कर रही थी। तभी वो एक फैन के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है और हियोंग उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और मिंजे सुनहु को उस जगह ले जाता है जहाँ हियोंग काम करता है। तभी हियोंग बाहर आता है और सिगरेट पीने लगता है। सुनहु कहता है, मुझे नहीं पता था ये स्मोक करता है। फिर वो उसे कॉल करता है। वो फोन देखता है और हंसकर कट कर देता है। तभी जोजो बाहर निकल कर जाने लगती है। हियोंग भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे जा रहा था और वांग कार से हियोंग का पीछा कर रहा था। जोजो जाकर एक बस स्टॉप पर बैठती है। हियोंग भी थोड़ी दूर पर रुक जाता है और तभी जोजो को वहाँ एक पेपर मिलता है। वो उसे मेंढक बनाकर खेलने लगती है। हियोंग उसे देखकर हंसता है और सुनहु इन दोनों को देख रहा था। तभी बस आती है। जोजो बस में बैठती है और विंडो ओपन करती है। तभी उसकी नजर सुनहु पर जाती है। सुनहु भी उसे ही देख रहा था। अब हियोंग घर आता है। तभी उसे वहाँ सुनहु की कार दिखती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सुनहु कहता है, तुमने मेरे मैसेजेस और कॉल क्यों इग्नोर किए और तुम इतना लेट क्यों घर आ रहे हो? तुम्हें पता था ना आज मैं वापस आने वाला हूँ। हियोंग कहता है, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ इसलिए। सुनहु कहता है, क्या यही एक वजह है? हियोंग कहता है, हाँ। अब वो दोनों घर के अंदर जा रहे थे। हियोंग रुक जाता है। सुनहु कहता है, क्या हुआ, तुम अंदर नहीं आ रहे हो? हियोंग कहता है, आराम करो, और वहाँ से घर के पीछे साइड चला जाता है। वही दूसरी तरफ जोजो पढ़ाई कर रही थी। तभी वो टाइम देखती है और खुश हो जाती है। वो उठकर एक्सपायर हो गया हुआ खाना निकालती है और फिर काउंटर पर बैठकर खाती है। अगली सुबह सुनहु और हियोंग एक ही बेड पर सोए थे। तभी वहाँ हियोंग की मॉम आती है और धीरे से हियोंग को उठाकर कहती है, सुनहु को उठाओ, मिस जैंग जाग गई है। उसके जाते ही हियोंग सुनहु को लात मारकर बेड से गिरा देता है और अब वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। अब अगले दिन सुनहु स्कूल आता है और उसका अलार्म बज ही रहा था। वो उसका फोन देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोगों के अलार्म बजे थे। सारी लड़कियां उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब हम इलसिक को देखते हैं। वो जोजो के पास आकर कहता है, मैंने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया है, सबने कर लिया है, तुम भी कर लो, हम भी हमारे फ्रेंड्स को दिखाएंगे हम दोनों का भी लव अलार्म रिंग होता है। तभी वहाँ जेंगो आती है और कहती है, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। इलसिक उठकर कहता है, तुम हमेशा हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो?
जेंगो कहती है कुछ भी, जाओ यहाँ से, और उसे धक्का मारती है। अब जोजो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तभी उसके सामने सुनो आ जाता है। वो दोनों बस एक दूसरे को देख ही रहे थे। फिर जोजो साइड से चली जाती है। अब सर जोजो को कहता है, तुम ट्रिप पर जेजू आइलैंड इसलिए नहीं आ रही हो क्योंकि तुम वहीं से हो, बस यही रीजन है। जोजो कहती है हाँ। ये कहता है, तुम स्कूल लंच क्यों नहीं करती हो? जोजो कहती है, मैं डाइट पर हूँ, ऐसा फिगर रखने में बहुत मेहनत लगती है। सर हंसता है और कहता है, ठीक है जाओ अब। अब जोजो एक जगह बैठी थी, उसे याद आता है बचपन में वो एक खुले मैदान में कहीं भाग रही थी, तभी वहाँ जेंगो आती है और जोजो को सुनो की प्रोफाइल बताती है। उसे याद आता है, ये तो वही है जो थोड़ी देर पहले उसे सीढ़ियों पर दिखा था। अब सुनो ग्राउंड पर खड़ा था। वो हियोंग को मैसेज करता है, कहाँ हो तुम? वो कहता है, स्कूल यार्ड में। सुनो कहता है, जल्दी आओ। अब हियोंग वहाँ आता है और वो उसे कहता है, देखो पहले दिन से ही कितनी सारी रिंग्स बजने लगी। सुनो कहता है, तुम्हारा क्या, तुम्हारी कितनी रिंग्स हुई? हियोंग कहता है, मैंने अब तक डाउनलोड नहीं किया। तभी वो जोजो को इल्सिक के साथ देखता है, सुनो भी उसे देखता है। तभी अचानक जोजो की नजर दुगु पर जाती है। वो आसमान की तरफ देख रहा था और जैसे ही उसके फोन में अलार्म बजता है, आसमान में लव अलार्म का साइन आता है। ये देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं। गुलमी भी वही देख रही थी। तभी वहाँ दुगु आता है और उसे देखकर हंसने लगता है। वो देखते ही जोजो की नजर सुनहु पर जाती है। सुनहु उसे ही देख रहा था। स्कूल छुट्टी है और सबके बीच में लव अलार्म को लेकर बहुत क्रेज था। सभी लोग बस एक दूसरे से कनेक्शन ही जोड़ रहे थे। अब गुलमी घर जा रही थी तभी वो सुनहु को देखती है और कहती है, मुझे भी लव अलार्म डाउनलोड कर लेना चाहिए। अब सुनहु और हियोंग कार में जा रहे थे तभी सुनहु जोजो को देखता है और कहता है, उसका पीछा करो। हियोंग कहता है, किसका? सुनहु कहता है, वही लड़की जिस पर तुम्हें क्रश है, क्या मैं गलत हूँ? हियोंग कहता है, हाँ तुम गलत हो। अब मिंजे जोजो का पीछा करता है। हियोंग अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था। फिर वो कार से उतर जाता है। सुनहु भी उसके पास जाता है। ये कहता है, उसका बॉयफ्रेंड है। सुनहु कहता है, उससे क्या हुआ, तुम तो उसे पसंद करते हो ना? हियोंग कहता है, पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुनहु कहता है, सारे कपल्स एक दूसरे को प्यार नहीं करते। अब रात में जोजो शॉप में आती है। उसकी आंटी पूछती है, गुलमी कहाँ है? जोजो कहती है, वो सो रही है। उसकी आंटी लॉकर से पैसे निकालती है और ड्रिंक लेती है। जोजो कहती है, अगले महीने में एकेडमी क्लासेस लग रही हूँ, तो आप मेरे बदले किसी और को काम पे रख लें। उसकी आंटी गुस्से से कहती है, तुम जो करना चाहती है वो तुम करती ही हो, है ना? और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हियोंग मुंह धो रहा था, तभी सुनहु आकर कहता है, क्या तुम्हें सुबह सुबह पसीना निकालने में बहुत अच्छा लगता है? हियोंग कहता है, हाँ मेरी मसल्स फील होती है। सुनहु कहता है, तुम्हें मेरे साथ आने में नफरत होती है ना? हियोंग कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। सुनहु कहता है, तुम कभी मुझसे नफरत नहीं करोगे, मैं कुछ भी कर लूं। हियोंग उसे पकड़ कर कहता है, हाँ सही कहा। अब जोजो काम पर आती है। हियोंग बाहर बारबेक्यू बनाते बनाते उसे ही ढूंढ रहा था, तभी वो बाहर आकर कहती है, क्या तुम टेबल नंबर 6 पर दे दोगे? हियोंग सामने देखकर सर हिलाता है। अब घर पर सुनहु की मॉम कहती है, तुमने 4 किलो घटा लिया, तुम सामने से देखने में फिट हो पर कैमरे में वजन बढ़ जाता है। सुनहु कहता है, ठीक है मैम। ये कहती है, मुझे मैम मत कहो। सुनहु कहता है, ठीक है मिस जोंग। अब जोजो शॉप में बैठी थी तभी उसे मैसेज आता है, मिस गोसुन का बिल 5,400 वॉन भरने का टाइम खत्म होने वाला है। वो एनवलप खोलती है जिसमें दादी जी के लिए पैसे थे, वो पैसे गिनती है। फिर वो एकेडमी जाने के लिए जो पैसे थे वो दादी जी के एनवलप में डाल देती है। अगले दिन हियोंग स्कूल जा रहा था, तभी मिंजे आकर उसे कहता है, जब तुम कल कार से बाहर निकले तो मुझे लगा तुम सच में कुछ करोगे। हियोंग कहता है, तुम चाहते हो सुनहु और मेरे बीच झगड़ा हो? मिंजे कहता है, कुछ भी, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उसे बता दो, तुम क्यों सिर्फ उसे देखते रहते हो? हियोंग कहता है, मैंने कहा ना, तुम गलत समझ रहे हो। मिंजे कहता है, तुम क्या करोगे अगर सुनहु को भी वही लड़की पसंद आ जाए? किसको क्या पता, मुझे बहुत डर है कहीं तुम दोनों एक ही लड़की के प्यार में ना पड़ जाओ। तभी सुनहु आता है और हियोंग वहाँ से चला जाता है। मिंजे कहता है, क्लास से जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे बाल काटने होंगे 5 बजे के अपॉइंटमेंट से पहले मिस जोंग की बुक के लिए, वो चाहती है तुम उनके साथ इंटरव्यू में रहो। सुनहु जाकर कार में बैठ जाता है। अब उसकी मॉम घर पर सुनहु का वेट कर रही थी। इंटरव्यू के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे। अब स्कूल में सुनहु जा रहा था, अचानक वो ये टेबल पर आकर बैठ जाता है। वहीं इल्सिक जोजो को ढूंढ रहा था। वो कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम छुप क्यों रही हो? वो थोड़ा आगे जाता है। उसके थोड़ा आगे जाते ही सुनहु कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत जोर से बोलता है, उसे कहो चुप रहने। तभी झाड़ियों के पीछे से जोजो बाहर आती है और कहती है, क्या मैं दिख रही हूँ, मैं यहाँ छुपी हूँ? सुनहु उसे देखकर कहता है, तुम बहुत बड़ी हो झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए। जोजो कहती है, वैसे क्या तुम मुझे जानते हो?
सुनो उसे देखकर हंसता है और कहता है, ज्यादा लोग मेरे चेहरे को नहीं घूरते जैसे तुम देखती हो। तभी इल्सिक वापस आता है। जोजो कहती है, ऐसा करो जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं, और वो छुप जाती है। सुनो इल्सिक को कहता है वो यहाँ है। इल्सिक वहाँ जाकर कहता है, जोजो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो बाहर आती है और सुनो को घूर कर वहाँ से चली जाती है। अब इल्सिक उसके पीछे पीछे जाता है। सुनो भी जाने लगता है, तभी उसे मिंजे का कॉल आता है। वहीं जोजो हॉस्पिटल में आती है। ये आकर कहती है, बहुत दिनों बाद आई। जोजो कहती है, मैं लेट हो रही हूँ, पर दादी जी को पियर्स खाने हैं। ये कहती है, ठीक है मैं कल ले आऊंगी। जोजो से थैंक्स कहकर जाने लगती है। हम जोजो का बचपन देखते हैं। उसकी दादी बहुत रो रही थी, फिर वो जोजो को पियर्स काट कर खिलाती है। वो जोजो के मॉम डैड के फोटो को देखकर रो रही थी। जोजो बस स्टॉप पर बैठी हुई थी, तभी उसे गुलमी का मैसेज आता है, कहाँ हो तुम, अब तक यहाँ आई क्यों नहीं, आज तुम्हारी शिफ्ट है। जोजो मैसेज करती है, मैंने आंटी को कह दिया है आज की मेरी शिफ्ट तुम कवर करोगी। गुलमी कहती है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ वरना मेरी मॉम तुम पर बहुत गुस्सा होगी। सुनो सामने वाले फुटपाथ से जा रहा था, तभी वो जोजो को बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखता है। वो बहुत उदास थी। तभी बस आती है, जोजो खड़ी होती है और बस चली जाती है, पर जोजो बस में नहीं चढ़ती। वो उसका फोन स्विच ऑफ करती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं हियोंग लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, वो उसकी बुक निकालता है, तभी उसमें से कागज का मेंढक निकलता है जो कि जोजो ने बनाया था। वो उसे खेलने लगता है और मुस्कुराता है। फिर वो साइकिल लेकर बस स्टॉप पर जाता है और बस स्टॉप देखकर मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जोजो मेकअप शॉप में घूम रही थी। फिर वो जाने लगती है और सुनू उसके पीछे पीछे जा रहा था। जोजो रुकती है और कहती है, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो। सुनू कहता है, तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी यही रास्ते से जा रहा हूँ। फिर जोजो जाने लगती है। सुनू कहता है, तुम यहाँ क्यों जा रही हो, क्या तुम घर नहीं जा रही। वो रुकती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ। सुनू कहता है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना, मुझे भी नहीं जाना है, कितना अजीब है ना। वो उसका फोन निकाल कर लव अलार्म ऑन करता है, पर वहाँ जीरो दिखा रहा था। सुनू कहता है, क्या तुम्हारे पास लव अलार्म नहीं है। ये कहती है, नहीं। सुनू कहता है, तुम बहुत अजीब हो। जोजो कहती है, क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए मैं अजीब हूँ। और हंसकर कहती है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं समझूंगी तुम मुझे पसंद करते हो। और वो जाने लगती है। सुनू हंसता है और फिर भी उसका पीछा करता है। अब वो दोनों नजदीक चल रहे थे, तभी सुनू कहता है, रुको मुझे कुछ कहना है। वो पलटती है तो सुनू कहता है, चलो वहाँ चलकर बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंग शॉप पर आता है जहाँ जोजो काम करती है। वो बहुत हिम्मत करके अंदर जाता है, पर वहाँ गुलमी को देखकर वो चुप हो जाता है। सुनू उसे वहाँ ले जाता है। जोजो कहती है, कहो क्या कहना है। सुनू उसे देखता है और कहता है, तुम्हें किस करना है। जोजो कहती है, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये फनी नहीं है। सुनू कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो जाने लगती है तो सुनू उसे पकड़ कर कहता है, कहाँ जा रही हो। जोजो कहती है, मैं बिजी हूँ, मुझे काम पर जाना है। सुनू कहता है, तुम्हें काम क्यों करना है। जोजो कहती है, क्योंकि कोई और करने के लिए नहीं है इसलिए। वैसे तुम्हें अंदाजा नहीं होगा ये कैसा है, क्योंकि तुम अमीर हो। सुनू भी उसके बाजू में खड़ा होता है और कहता है, हाँ पर मेरी फैमिली बहुत अलग है, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। और तुम्हारा क्या। जोजो कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मुझे खुद ही अपने लिए सब करना पड़ता है। जोजो उसकी तरफ देखती है, सुनू भी उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो ऐसा क्यों दिखाती हो तुम मुझे पसंद नहीं करती। जोजो कहती है, नहीं मैं नहीं करती। सुनू कहता है, क्या मैं किस कर लूं। जोजो कहती है, तुमने कुछ नहीं सुनाना, तुम सिर्फ यही सोच रहे हो। सुनू हंसता है और कहता है, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। जोजो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है। सुनू कहता है, मुझे पता है। जोजो कहती है, वो लड़ता भी है। सुनू उसके गाल पर हाथ लगाता है और उसे किस कर लेता है। फिर जोजो भी उसे किस करने लगती है। और यही एपिसोड 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 2 में।